स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपको लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर के। विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं कि चुनाव आयोग आज 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान करने वाला है। आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान, आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। गोवा और मणिपुर में भी चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला चुनाव आयोग, जिसमें चुनावी तारीखों की घोषणा की जाएगी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिसको लेकर के आपको बता दें कि यूपी में 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, वहीं उत्तराखंड में 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव और पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 5 विधानसभा राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं तो पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र वहीं है, सबसे ज्यादा सीटें जो है वो वहीं है, 403 विधानसभा सीटें हैं। तो यूपी में 7 से 8 चरणों में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। आज चुनाव आयोग इसको लेकर के 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 403 सीटें हैं, तो वहीं उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं, पंजाब में 117 सीटें हैं, तो मणिपुर में 60 हैं और गोवा में 40 सीटें हैं। इन सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान आज होगा। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग, जिसमें तमाम तरीके की जानकारियां दी जाएंगी। कितने चरणों में चुनाव होने हैं, कब चुनाव होने हैं, किस तरीके से चुनाव होने हैं, सभी जानकारियां आज मिल जाएंगी। तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वहीं यूपी में 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं तो पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं और उत्तराखंड में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। इस बार तैयारियों पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में किस तरीके से तैयारी होगी। कुल 70 सीटें हैं उत्तराखंड में। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 57 सीटें मिली थी, कांग्रेस की अगर बात करें तो 11 सीटें मिली थी, वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। तो 2017 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की इन 70 सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के खाते में 57 थी, कांग्रेस में 11 थी, अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी और इस राज्य में बीजेपी की सत्ता अभी कायम है। अब यूपी विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। बीजेपी को 325 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी, तो वही बीएसपी को जो है वो 19 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 7 और अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। यहां डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी के साथ कई दल जुड़े हुए हैं। और अब बात करते हैं गोवा विधानसभा चुनाव की, जहां 60 सीटें हैं, कांग्रेस को 28 मिली थी और बीजेपी को 21 मिली थी, अन्य को 11 मिली थी। तो ये सीटें हैं गोवा विधानसभा की। आपको बता दें कि कांग्रेस को 28, बीजेपी को 21 और अन्य के खाते में 11 सीटें गई थी। वहीं अब बात करते हैं गोवा विधानसभा चुनाव की फिर से, जहां कांग्रेस को 17 सीटें मिली, बीजेपी को 13 मिली और अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी। तो इस तरीके से गोवा में 44 विधानसभा सीटें हैं, मणिपुर में जो है वो 60 विधानसभा सीटें हैं। ये गोवा, पंजाब के बारे में अब आपको बताते हैं, जहां 117 सीटें हैं, तो कांग्रेस को यहां 77 सीटें मिली थी, बीजेपी की बात की जाए तो 3 सीटें मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी और अकाली दल को 15 सीटें यहां मिली थी। वहीं एलकेपी की बात की जाए तो 2 सीटें एलकेपी के खाते में गई थी। ये 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से कहां किस राज्य में कितनी सीटें हैं। जैसे कि पंजाब में 117 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 77 आई थी, 2017 के चुनावों में बीजेपी के खाते में 3 आई थी, आम आदमी पार्टी के खाते में 20 आई थी, अकाली दल में 15 और एलकेपी में 2 सीटें आई थी।
तो पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, उत्तराखंड में 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। आपको बता दें कि यूपी में 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 5 विधानसभा राज्यों से जुड़ी हुई, जहां आज चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बताएगा कि इन राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो किन तारीखों में होंगे, कितने चरणों में होंगे और किस तरीके से इन चुनावों को करवाया जाएगा। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की और ये पूरी जानकारी साझा की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, गोवा में 40 हैं, मणिपुर में 60 हैं, वहीं पंजाब में 117 सीटें हैं। अगर ऑलओवर बात की जाए तो इन सभी राज्यों में बीजेपी की सत्ता कायम है। विधानसभा के जब 2017 के चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष मिश्रा है, पीयूष तिवारी है, साथ ही ब्रजेश श्रीवास्तव है देहरादून से। बात कर लेते हैं ब्रजेश श्रीवास्तव से, साथ ही हमारे साथ राघवेंद्र शुक्ला भी जुड़ेंगे, राघवेंद्र सिक्के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रजेश श्रीवास्तव के पास जाते हैं। ब्रजेश, अब विधानसभा चुनावों की जो तारीखों का ऐलान है वो कुछ ही वक्त में होने वाला है, क्या कुछ चुनावी मूड उत्तराखंड में खासकर देखने को मिल रहा है? ब्रजेश, उत्तराखंड में चुनावी मूड क्या बना हुआ है, क्योंकि कुछ ही घंटों में अब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कितने चरणों में विधानसभा के चुनाव होने इसका भी ऐलान हो जाएगा, चुनाव आयोग आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। को लेकर अब जो चुनावी संग्राम है वो अपने चरम पर है। सबसे अहम बात यह है कि 70 में से 57 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन इस बार यहाँ पर कांग्रेस उसको कड़ी चुनौती दे रही है बीजेपी को और नेट टू नेट फाइट मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी एक ट्रायंगल बनाती, किसी के लिए भी पूरी तरीके से अनुकूल नहीं है और सभी को यहाँ पर कूल नहीं है और सभी को यहाँ पर कड़ी प्रतिद्वंदिता का जो है सामना करना पड़ा है। लेकिन जो तैयारियों की अगर बात करें तो इन पूरी विधानसभाओं को लेकर, 70 विधानसभा सीटों को लेकर आयोग ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की है। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज को अमली 3 बजे के बाद सब कुछ आयोग के नियंत्रण में चला जाएगा, आयोग के पास चला जाएगा और उसके बाद ना कोई घोषणा इंप्लीमेंट हो पाएगी ना ही कोई भी जो है आप फाइनेंशियल कोई जो है फंड निर्गत कर पाओगे। तो वो आज पूरी तरीके से सारे मंत्री सारे जो है अधिकारी इस पर व्यस्त है कि अधिसूचना लगने से पहले पहले जो घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा जो पार्टी द्वारा जो घोषणाएं सरकार द्वारा की गई है उन घोषणाओं को अमली जमा पहनाया जाए। ठीक है ब्रजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, दिल्ली से हमारे साथ पीयूष भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है 3:30 बजे, आप वहीं मौजूद भी हैं, क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम चुनाव आयोग के बिल्डिंग के बाहर ही मौजूद हैं और जो चुनाव आयोग है वो 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए जो तैयारियां हैं वो उसने कहीं ना कहीं पूरी कर ली है और करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त बचा है जब चुनाव आयोग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और किस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव कराने हैं उसको ब्रीफ करेगा, बताएगा कि आखिर कोरोना को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन चुनाव आयोग जारी करता है 5 राज्यों को देखते हुए। अगर हम बात करें तो देखिए लगातार चुनाव आयोग के जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो बूथ है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी और मतदाताओं की जो संख्या है बूथ स्तर पे तो वो बांट दिया जाएगा, यानी मतदाताओं को कम किया जाएगा एक बूथ पे, अलग अलग ज़्यादा बूथ की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि मतदाताओं का जो भीड़ है जो क्राउड है वो एक जगह जमा ना हो पाए। इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ऐसा भी ऐलान कर सकता है कि आपको वोटिंग से पहले आपको जो कोरोना की वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट है वो भी दिखाना पड़े। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए जिन लोगों के
मन में संदेह है या शंका है कि उन्हें कोविड हुआ है या ओमिक्रॉन हुआ है, तो चुनाव आयोग इस पर भी विचार कर रहा है कि बैलेट के थ्रू कुछ अधिकारियों को वहां पे भेजा जाए और उनके घर पे ही उनको वोटिंग कराई जाए और उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जाए। हालांकि ये जो उम्र बताई जा रही है, ऐसा व्यवस्था उन लोगों के लिए किया जा सकता है जो 60 साल से ऊपर हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, देखिए अलग अलग राज्यों में चुनाव है तो जो चरणों की संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है, करीब करीब 7 से 8 चरणों में। उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब में 2-3 चरणों में, अगर उत्तराखंड की बात करें आमतौर पर जो एक चरण में चुनाव होता था। ठीक है पीयूष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सीधे हल्द्वानी ले चलते हैं जहां गोपाल राय क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। उन संवाद के माध्यम से हर 10 घर पर हमने एक नव परिवर्तन प्रमुख बनाने का निर्णय लिया है। लगभग 11,000 के आसपास बूथ हैं उत्तराखंड के अंदर, तो 10 घर के हिसाब से हम लोग हर 10 घर पर एक नव परिवर्तन प्रमुख बनाने जा रहे हैं और वो हमारे बेसिक जो उनके माध्यम से हम कैंपेन को तेज करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन पे हम फोकस करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि अभी तक उत्तराखंड के अंदर गोवा विधानसभा चुनाव के बारे में बता देते हैं, जहां 40 सीटें हैं, कांग्रेस में 17 मिली थी बीजेपी को। अब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव बीजेपी को 57 सीटें, कांग्रेस को 11 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। 2017 के सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं।